डोईवाला विकासखंड में बीडीसी बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने सड़क, पानी और बिजली के मुद्दे उठाए हैं। बैठक में सर्वसम्मति से डोईवाला अस्पताल के उच्चीकरण का प्रस्ताव भी पास किया गया है। बता दें कि समय समय पर होने वाली बीडीसी बैठक में जनप्रतिनिधि नदारद रहने लगे हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि बैठक में प्रस्ताव देने के बावजूद भी इन पर कार्य नहीं हो पाते हैं। वहीं बैठक में जहां मात्र 10% जनप्रतिनिधि शामिल हुए, तो वहीं कुछ विभागों के आला अधिकारी भी इस बैठक से नदारद रहे, जिसको लेकर डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने अधिकारियों को जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा विकास कार्यों में तेजी लाए जाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। बहुत शिकायतें मिलती आई हैं, लगातार मैंने भी देखा है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, अपने डिवीज़न के जो मुखिया हैं या जिले के स्तर के हैं, उनको बैठक में रहना चाहिए। और आज की बैठक में मैं देख रहा था कि काफ़ी अधिकारी जिनको अपने क्षेत्रों के बारे में विशेष करके जानकारियां देनी थी, वो उपस्थित नहीं थे। मैंने बैठक में तहसीलदार उपस्थित थे और अपने BDO उपस्थित थे, तो हमने इनको भी कह दिया है कि आप लोग इसमें बना करके एक रिपोर्ट बना करके DM को और CDO को दीजिए कि क्यों ये आए नहीं है। दूसरा, आपकी आज की BDC में माननीय सदस्य द्वारा डोईवाला जो हमारी CSE है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसको उच्चीकरण की जो है मांग की गई है। उच्चीकरण होने में जो है उप जिला चिकित्सालय का दर्जा मिलेगा, जिसमें जो है विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे जो है जिस क्षेत्र की जनता को भी लाभ होगा, साथ ही साथ जो है विभाग का भी जो है विस्तार होगा, वो सभी को लाभ होगा।